थैंक यू। थैंक यू। तो कृष्ण आप शुरू कर दो बेटा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया। ठीक है, 188 से पढ़ने वाले हैं हम। हाँ, आप शुरू कर दो बेटा ग्रीष्मी, फिर आई थिंक अर्चना भी आ गई है आई थिंक। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य की ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर गूह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि भरत जी अब श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं, और वहां पहुंच गए हैं जब निषाद राज को गुह को पता चला तो उन्हें आशंका हुई मन में कि भरत जी के जरूर मन में जरूर पाप है। ठीक है, ये देखो, ये आशंका भरत जी के कारण नहीं है, क्योंकि भरत जी को तो उन्होंने अच्छी तरह से देखा नहीं है ना, पहचाना नहीं है अभी, है ना। तो किसके कारण है? राम जी के प्रेम के कारण। जब भी हमारे किसी के प्रति प्रीति होती है, जब हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं ना, तो हमेशा मन आशंका में भरा रहता है, उसको ये ना हो जाए, उसको ये ना हो जाए, उसने खाना खाया, उसने पिया, वो बस इसी चिंता में रहता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि हम जब चिंता करते हैं ना, तो ऐसा सोच लेते हैं कि दुश्मन भी कभी इतना बुरा करने का नहीं सोचेगा जितना हम अपने प्यारे के प्रति सोच लेते हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं हो गया, अच्छा ऐसा तो नहीं हो गया। तो ये जो आशंका है उनकी राम जी के प्रति प्रीति के कारण है, तो भरत जी के कारण नहीं, ये हमें समझ लेना चाहिए, है ना। फिर कहते हैं, फिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि रिमेम्बर उनको ज्ञान मिल चुका है। किसने दिया था ज्ञान? लक्ष्मण ने दिया था ना, लक्ष्मण गीता बोलते हैं हम उसे। तो लेकिन भरत जी के बारे में वो ज्यादा नहीं जानते हैं, तो वो उनके मन में ये सब विचार आ रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे वो सोच रहा है कि भरत ऐसे, क्योंकि सेना लेके आ रहा है। सबको आशंका इसलिए होती है, वो बहुत अपनी सारी की सारी सेना लेके आ रहे हैं ना, जो कि हमने समझाया था सेना लेके आने का उनका तो एक ही रीजन है कि सेना के सामने उनका अभिषेक, राज्य अभिषेक होना चाहिए, दैट इज द ओनली रीजन। बट सबको शंका होती है इस, क्यों फिर सेना लेके थोड़ी आना था जब मिल नहीं आना था। तो अब फिर वही बात की, फिर सोचते हैं अरे राम जी को कोई नहीं हरा सकता, चाहे सारे देवता भी क्यों ना जुट जाए। एंड फिर उनके मन में वही बात की, देखो जैसा पेड़ हो वैसा ही फल होगा, अब विष के बेल है तो विष ही विष फल ही होगा ना उसपे। तो उनका मतलब यह है, माता ककई अगर ऐसी है तो भरत कोई ऐसे हो रहे हैं, ऐसी कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। तो ऐसे हम देखेंगे, अबे लक्ष्मण जी भी तो ऐसा बोलेंगे ना बहुत कुछ, पर ये सब लीला भी है, लक्ष्मण जी तो लीला भी कर रहे हैं, एंड ये हमारे यहाँ सही भी है, सारे ऐसे तो नहीं होते ना भाई। तो अब उसके बाद कहते हैं, अपने जाति वालों को सबको बुलाकर सावधान करता है कि अब जाएंगे तो उनको पार करने के लिए सबसे पहले तो नाव तो चाहिए ना, सबसे पहले ऐसा करो कि जितनी भी नावें हैं उनको पानी में छुपो दो, ताकि उनको कोई नाव पार जाने के लिए ना मिले, है ना। फिर उसको कहते हैं, फिर हम सब घाट, जितने भी घाट है ना, वहां सारे घाट जहां से इधर से उधर जाया जा सकता है,
ब्लॉक ऑल ऑफ दोस। सो जब हम ब्लॉक कर देंगे तब उनको, हाँ तब उनको दूसरी तरफ जाने में तकलीफ होगी। ठीक है, अब हम 189 के नीचे पढ़ेंगे। अर्चना आप पढ़ पाओगे? म्यूट पे हो बच्चे आप। जी भाभी, मैं ये इको आ रही है आपकी आवाज की। आप अपना दूसरा डिवाइस ना म्यूट में ही डाल दो। अरे रे, अरे आपके दो डिवाइसेस हैं शायद, एक म्यूट पे डाल दीजिए। अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब 189 के नीचे बढ़िए। थैंक यू भाभी। ऐसा विचार कर जो है निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री राम जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकश, धनुष और कवच मांगा। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि गोहो सोच रहे हैं कि भरत जी और उनकी सेना से युद्ध करना कोई आसान नहीं होगा, परंतु वो सबको सबको बड़ा उत्साह उत्साहित कर रहे हैं, अपने अपनी सारी सेना को वो कह रहे हैं और अपने आप को भी वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अर्जुन को ये कहा था ना, राइट, जब उन्होंने 31-32 में शुरू किया सेकंड का, जैसे ही गीता का उन्होंने कर्म योग शुरू किया, तो उसमें वहां कहते हैं ना, अरे जीतोगे तो पृथ्वी को पाओगे, मरोगे तो स्वर्ग को पाओगे, तो दोनों तरफ से ही लड्डू हैं। तो देखो, ये भी वही बात कह रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही बात बोल रहे हैं कि युद्ध में मरण कितना, देखो, एंड फिर मरण मरण तो सबका ही होगा, कोई तड़प तड़प के बीमारी से मरे, है ना, कोई एक्सीडेंट से मरे, कोई कैसे भी मरे, लेकिन कोई कोई अपना काम करते हुए खुशी खुशी मरे, जो वो जो जिसको वो प्रिय है वो खुशी खुशी करते मरे, वो चाहे कोई भी काम हो, तो वो अच्छी चीज है ना। तो यहाँ तो वो कहते हैं, एंड देन स्थान कैसा हो मरने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो तो कहते हैं युद्ध में मरण होगा एक क्षत्रिय के लिए, वो भी एक काइंड ऑफ एक क्षत्रिय ही है ना, तो वो बोल दे आर नॉट क्षत्रिय, बट अगर कोई योद्धा है तो क्षत्रिय की कैटेगरी में ही आ जाएगा। तो फिर कहते हैं तो युद्ध में मरेंगे हम, दूसरा गंगा जी का तट कितना पवित्र स्थान है ना, एंड तीसरा क्या है, श्री राम जी का काम है ना, एंड चौथा क्या है, बोल रहे हैं कि क्षण भंगुर शरीर, कि सबने एक दिन मरना ही तो है, लेकिन भरत जी श्री राम जी के भाई हैं, राजा भी हैं, और कहते हैं उनके हाथों में मरेंगे, उनके हाथों से सेवा करते हुए भगवान की मरेंगे, तो इस सबसे बड़ी भाग्य, इससे बड़ा कोई भाग्य की मृत्यु हो ही नहीं सकती, है ना। तो मरना है तो ऐसे मरो ना, तो फिर ऐसे वैसे क्यों मरना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों में अपने यश को उज्जवल कर दूंगा, कि नेचुरली तो
देखो आज दिन तक भी हम गुह को याद करते हैं ना कि गुह कितने अच्छे थे। सबसे पहले भगवान जब वनवास के लिए निकले, सबसे पहले गुह से मिले हैं और कैसे उसको हृदय से लगाया है ना। अगर हम देखें, किंकर जी महाराज ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना के लिए जो पहला सदस्य था, ये सारे के सारे जो केवट है ये थे। क्योंकि अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो कहाँ ऐसी होगी जब ऐसे तुम्हारे अः तुम्हारे जो कहते हैं जन होंगे, तुम्हारे पुरजन होंगे है ना, प्रेम वाले, श्रद्धा वाले, भक्ति वाले। एंड फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर राम राज्य बनाने के लिए राम नहीं चाहिए, भरत चाहिए। क्योंकि राम तो पहले भी थे, दशरथ महाराज राम को राजा बनाना चाहते थे, नहीं बना सके, वो राम राज्य की स्थापना नहीं कर सके। कौन कर सका राम राज्य की स्थापना? भरत। तो भरत ये केवट जैसे, जब तक ऐसे पुरजन नहीं होंगे तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, ये बात है। तो तभी हम देखेंगे ना उनका उनका प्रेम। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अरे श्री रघुनाथ जी के लिए, उनके निमित्त के लिए अपना जो, वही बार बार भगवान ने यही तो सिखाया है ना भगवद गीता में कि अपने युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए वहां पे गीता सिखाई गई है। उसका मतलब ही यही है कि अपने कर्तव्य कर्म करते समय जब तुम मृत्यु को भी प्राप्त होते हो तो वो ही भली मृत्यु है। अगर तुम क्या कहते हैं ना, अपवर्ग सुख चाहते हो, स्वर्ग सुख नहीं, अपवर्ग सुख। क्योंकि देखो ध्यान से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अर्थात जीत गया तो राम का सेवक एंड यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। इसका क्या मतलब है नित्य सेवा प्राप्त करूंगा? यही तो मतलब है कि अगर मर गया तो कहाँ पहुंचूंगा, भगवान के लोक में। एंड फिर नित्य सेवा कैसे, भगवान के लोक में नित्य सेवा होगी। एंड फिर और नित्य सेवा क्या है, किष्किंधा कांड पढ़ते हैं ना कितनी बार, तो किष्किंधा कांड में वो कहते हैं हमारे जामवंत, अरे जब ये बहुत घबरा रहे हैं मरने के लिए, तैयार हैं हमारे अंगद, तो बोले राम को तुम मामूली मामूली मनुष्य मत समझो, ये तो भगवान है हिमसर, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा ऐसे लीला में प्रवेश है इनके साथ। तो यहाँ पे क्या है, नित्य सेवा का मतलब ये है जब जब भगवान आएंगे तब तब लीला में प्रवेश होगा। अरे हमारे जो नाना जी ने, अब बताइए हमारे हमारी जो भगवत गीता बुक है उसमें जब वो है, देखो हम सबके पास भगवत गीता बुक है ना, निकाल लेनी चाहिए। मैंने कहा ना जब भी हम कुछ भी करें ये भगवत गीता तो हमारे साथ होनी ही चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस का वही थे। तो अब जहां पे है जीव की गति कैसी है, भाव के अनुसार जीव की गति, उसमें जो भक्ति भाव वाले हैं उनके क्या गति होती है, उनकी गति होती है भगवत प्राप्ति, आनंद अनंत आनंद एंड लीला प्रवेश। ये भक्तों की गति होती है ना, जो चार्ट है हमारा भाव भाव के अनुसार जीव की गति। तो ये जब वो कहते हैं कि नित्य सेवा प्राप्त करूंगा, ये मतलब है इसका कि भगवान के पूर्व में रहेंगे एंड मरने के बाद, एंड उसके बाद जब जब आनंद आनंद कहते हैं अनंत आनंद मिलेगा एंड फिर लीला प्रवेश, वही लोग गोपियां बन सकते हैं है ना, वही लोग बार बार भगवान श्री राम जी के पास आएंगे। जब वो भगवान जी, जब जब राम जी अवतार लेंगे, जब जब भगवान अवतार लेंगे यही लोग तो आएंगे ना, क्योंकि वो ही उस एक्ट के लिए जरूरी है, वही योग्य है ना। तो उसके बाद कहते हैं साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। तो ऐसे हम कभी कभी सोचते हैं अरे राम जी का, अगर कोई राम का भक्त नहीं है, शिव भक्त है, मैया का भक्त है, तो क्या वो भार है? अरे वो ऐसा तुलसीदास जी तो बोल ही नहीं रहे हैं, ना ही ये गुह बोल रहा है। क्योंकि जो असली वैष्णवी भी होंगे, जो असली भगवान को मानने वाले होंगे, उनके लिए तो राम कृष्ण शिव सब एक ही है तो है, मैया एक ही तो है, उनके लिए कोई दूसरा नहीं है, है ना। तो जब हम कोई कोई भी भगवान का नाम ले लें तो श्री राम जी के जब भक्त हैं तो बोले उनका मेन यही है कि जो देखो जो जिसका गोहू जैसा आचरण नहीं है
फिर वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो तो फिर भारी होगा ना पृथ्वी पे। पहले तो आचरण जरूरी है। अरे आचरण होगा तभी भगवान का भक्त बन सकेगा। गो का आचरण तो देखिए वही। अब वो मरने के लिए कैसे तैयार है ना। अब देखिए उसके सारे पुरुषजन भी मरने के लिए तैयार है, सारे उसके जैसे ही तो है। इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद कहा माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए। हाँ तो ये बार बार आता है। क्यों आता है? कि आफ्टर द डिलीवरी मदर्स की बॉडी चेंज होती है, उसमें चेंजेस आती हैं। वो पहले वाली यंग लड़की की तरह नहीं रह जाती है ना। ये सब चीजें बोलते हैं। तब इसके बाद कहते हैं कि निषाद राज, अब जब एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया। देखो हमें विषाद तब होता है, कब तक विषाद, अर्जुन को कब तक विषाद था? जब तक उसने दृढ़ निश्चय नहीं कर लिया अपना धर्म, उसका धर्म क्या है। तो उसके बाद तो वो यही कहते हैं ना कि ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, मेरे कोई राग एंड द्वेष के लिए नहीं, और भगवान भी इसीलिए उनके साथ है। जैसे ही वो दृढ़ निश्चय एंड विश्वास श्रद्धा मन में आ गई तो विषाद खत्म। अब इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया राम के लिए मरना है तो काहे का विषाद फिर। दैट्स इट, वी आर रेडी टू डाई नाउ, दैट्स ऑल इट इज, ऑल डन है ना, देयर इज नो क्वेश्चन नाउ। तो उसके बाद भगवान जी का स्मरण करके उन्होंने बोला ठीक है लाओ सब लोग, अब वेपन्स लाओ, मेरा कवच वो सब लाओ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाए। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बरछों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हो। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गूढ़ को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हाँ तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये हाईलाइट वाला है कि वे ऐसे उमंग भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। इसको पढ़ के वो बानर सेना का याद आता है ना, कि भगवान के साथ बानर सेना युद्ध करने से पहले, एंड इवन सुंदरकांड में भी हम देखते हैं ना कैसे उछल कूद रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पंख से जड़े हुए पहाड़ हों। यहाँ भी वही है, ऐसे लग रहा है मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल कूद रहे हों, इतना उत्साह एंड साहस उनमें आ गया है। एंड फिर जो निषाद राज ने ये जो लिखा है, इससे देखो सब लीडरशिप क्वालिटी, ही लीडर है ना, राजा है ना उनका। कहते हैं निषाद राज सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। कितनी बड़ी बात है, एक राजा जब अपने पुरजनों का, जब अपने सैनिकों का इस तरह से नाम ले लेकर सम्मान करता है तो कितना बोलेगी है, देखो हमारा राजा हमारा कितना सम्मान कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, दिस इज लीडरशिप क्वालिटी, कि सबका सम्मान करना कितना जरूरी है एज अ लीडर, है ना। एंड इससे क्या है, सबका जिसका वो सम्मान कर रहा है वो क्या कर रहा है, उनका पूर्ण उत्साह को बढ़ा रहा है। दिस इज, दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसीलिए तो वो उसके लिए मरने को तैयार है ना, फिर अब उसके प्रेम के कारण, उसके साहस के कारण, ही इज अ गुड रोल मॉडल फॉर देम, गुड लीडर फॉर देम। तो वो कहते हैं नो डोंट वरी, क्योंकि उसने कहा ना धोखा ना खाना अर्थात मरने से ना घबराना। तो आज कहते हैं आप सब मेरा बड़ा भारी काम करने वाले हो, बिकॉज अपने राजा के कहने के कारण ही तो मरने के लिए तैयार हो रहे हैं ना सब। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, हे वीर अधीर मत हो। अधीर मत लिए नहीं कि ये नहीं कह रहे कि घबरा मत, उनका अधीर मत हो मतलब धीरज धरिए, हम सब आपके साथ हैं।
ये मतलब है उनका। इसके आगे पढ़ते हैं। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मारकर मार डालेंगे। जीते जी पीछे आप पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमई कर देंगे और सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझारू लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषादराज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। उनके सुंदर भाव यहीं तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चल पड़े हैं सब सज धज के तैयार होके। अब क्या है कि छींक पड़ी। हमने कहा था ना, जगह जगह पे तुलसीदास जी शगनों एंड अपशगनों की बात जरूर करते हैं, है ना। कभी कहते हैं अंग फरक रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ। अब यहाँ पे छींक पड़ने की बात हो रही है। सिर्फ तुलसीदास जी नहीं करते, वाल्मीकि रामायण में भी ये सब बातें लिखी गई है। तो हम तो कहते हैं कि घर से जब तुम निकलने लगो या युद्ध के लिए निकलने लगो या अच्छे काम के लिए निकलने लगो, अगर आपके दाई तरफ छींक पड़े तो वो ठीक नहीं होती। अगर बाई तरफ पड़े तो शुभ समाचार देती है। इसी तरह से हमने देखा था ना, भगवान जब भगवान की दशरथ महाराज बारात के निकलते हैं तो कितने सारे शकुन बताए गए हैं। कोई ऐसा शकुन है ही नहीं वहां पे जो नहीं बताया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक बूढ़े ने विचार कर कहा, उनको तो लगा अरे ये शकुन है, हम जीत जाएंगे। तो लेकिन बूढ़े ने क्या बोला, भरत से मिल लीजिए, सर जल्द जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि जब जवान होते हैं, नॉट ओनली जवान होते हैं, हम हर समय उत्साह से भरे रहते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू गो। और कई बार ऐसा होता है बिना सोचे विचारे भी चल पड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं जरा विचार कर लो, ऐसा लग रहा है कि भरत लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हम सोचेंगे उसको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि क्या होता है जो बड़े होते हैं हमसे, उन्होंने दुनिया देखी होती है, वो शगुन अपशगुन भी समझ जाते हैं। अरे नहीं ये क्यों क्यों उसने ये नहीं सोचा कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये तो सबको पता है ना, ये तो छोटे से टुकड़ी है, इनके पास वैसे वेपन भी नहीं है जो भरत जी की सेना का मुकाबला किया जाए। रिमेम्बर ये महाराज दशरथ जी की सेना है। रिमेम्बर वो महाराज दशरथ जिसकी हेल्प इंद्र लोग, देवता लोग राक्षसों से लड़ने के लिए करते थे। तो इमेजिन करिए उनकी सेना कैसी होगी, उनके पास कैसे डिवाइन वेपन्स भी पड़े होंगे, उनका मुकाबला ये थोड़ी कर सकते हैं, ये तो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। मतलब अपने अपने कर्म के लिए, अपने कर्म योग के लिए कुर्बान हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा जीत ही होती है, कई बार शुभ कर्म के लिए मरना भी पड़ता है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं शुभ कर्मन से कब होना डरो, देहो शिवा वर्मो है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ये मुसलमानों से लड़ने के लिए अपने सेना को उत्साहित करते थे तो उसने ये शब्द गाया था, भजन, देव शिवावर मोहे शुभ कर मन से कब होना लगो, कब होना डरो। तो आगे की पंक्ति मुझे ऐसे भूल रही है। तो उन्होंने कहा कि जब भी युद्ध में लड़ने के लिए मतलब ऐसे तैयार हो जाऊं मैं जो जैसे अति उत्साह से लगो, है ना, कभी मरने से ना घबराए। तो इसी तरह उसको ये तो पता है कि अगर ये कह रहे हैं अरे नहीं हम तो जीत जाएंगे, वो नहीं होने वाला, तो फिर क्या होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि भरत मिलने के लिए जा रहे हैं,
समझ गए ना कितने समझदार हो गए वो बूढ़े, है ना, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है घर में कोई बुजुर्ग भी जरूर होना चाहिए, बुजुर्ग के साथ जवान होने चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग को अगर बहुत सारे आइडिया है तो अगर जवान नहीं है तो काम करने वाला कोई नहीं है साथ में। जवान जो है काम करने के लिए तो बहुत कुछ है बट लेकिन उनके आइडिया हजारों हैं, कोई बूढ़ा होगा तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकेगा कि ये नहीं ये काम सही रहेगा, है ना। तो क्योंकि उन्होंने गलतियों से सीख लिया है, हम उनकी गलती से सीख लेंगे, है ना। तो फिर आगे कहते हैं उसने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, फिर वो भी मान गया ना, और मानना भी चाहिए। रावण के पास भी तो बहुत बूढ़े भी थे ना सलाह देने वाले, उसी का नाना भी उसका एक मंत्री था, वो भी सलाह दे रहा, उसने बहुत अच्छी सलाह दी पर ये तो माना नहीं। तो नॉट ओनली दैट कोई बुजुर्ग होना चाहिए, बुजुर्ग की बात भी तो माननी चाहिए, वो बोलता भी रहे बेचारा, कोई मान ना माने ही ना तो फिर क्या फायदा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तो मान गया निषाद राज। निषाद राज ने क्या कहा कि देखो जो कहते हैं बिना सोचे समझे जब ऐसे हम काम कर लेते हैं तो फिर कहता है वो मूर्ख लोग होते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसीलिए कहते हैं पहले भरत जी का शील स्वभाव को पहचान लेना चाहिए। एंड फिर भी देखो ऑर्डर फिर भी यही देता है कि जाओ घाटों को रोक लो जाके, वहां वो घाटों को रोकना बहुत जरूरी है, फिर मैं जाके देखता हूँ भरत जी का क्या इच्छा है विचार है, तो आप छुपे रहना, फिर जब मैं इशारा करूंगा तो समझ जाना, है ना। तो ये कह रहा है। अब 192 के नीचे पढ़ेंगे। उनकी सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह का पहचान को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। हाँ तो हम देखते हैं, तो उसने बोला चलो मैं उनका स्वभाव पहचान कर इशारा करूंगा। तो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने देखो क्या क्या भर के लेके जा रहे हैं, सारे हर तरह के कंदमूल फल भी लेके जा रहे हैं, एंड हर तरह के हिरण के मीच वो सब मीच एंड ये मछलियां भी भर भर के। सो राजसिक तामसिक एंड सात्विक फूड, तीनों प्रकार के फूड लेके जाए जा रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भी देखिए क्षत्रिय लोग हैं, है ना, एंड सेना वाले लोग हैं, देखो उनके साथ सारे ही थे ना, हर हर प्रकार के लोग हैं उनके साथ, ब्राह्मण भी है क्षत्रिय भी हैं, हर तरह के लोग हैं, तो हर सब तरह का खाना खाने वाले हैं ना। एक ब्राह्मण देखो हमारे पहले यही होता था ना, एक ब्राह्मण थे जो मेनली वेजिटेरियन हुआ करते थे, है ना, बाकी लोग तो खाते थे लेकिन आफ्टर सर्टन एज हर जाति के बंदे को मीट खाना मना था, जैसे 60 के बाद। एंड अगर हम देखें साइंटिफिकली भी नाउ 60 के बाद वो मीट जितना ज्यादा खाएंगे उतना बीमारी के ज्यादा चांसेस है ना। तो यहाँ हम देखते हैं इसीलिए वो हर तरह का फूड लेके आए हैं, क्योंकि जैसा क्या कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हमने पीछे क्या देखा था कि सारे के सारे लोग जो चल रहे हैं भगवान को मिलने वो व्रत रख रहे हैं, एक ही समय खा रहे हैं, कोई सिर्फ दूध पे जी रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ब्रॉट ऑल काइंड ऑफ फूड, कि फूड से ही इनके मन का पता चल जाएगा बिफोर यू इवन आस्क एनीथिंग कि इनकी रुचि किस में है ना। तो हम आगे देखते हैं कि जब वो दूर से उसने देखा तो कहते हैं भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगल शुभ शकुन मिले, फिर से उनको शुभ शकुन मंगल पूर्वक मिल रहे हैं। एंड उसके बाद कहते हैं दूर से उन्होंने वशिष्ठ जी ने निश्चय मुनिराज जी ने देखा तो नाम बतलाकर दूर से मुनिराज को देखकर उन्होंने प्रणाम किया।
एंड फिर मुनिराज ने इंट्रोड्यूस किया उसका, इंट्रोड्यूस किया उसको भरत जी के साथ, है ना। बोले कि ये राम जी का प्यारा है, क्या पता है पहले भी वो गुरुकुल में भी इकट्ठे पढ़े हैं, एंड उसके बाद तो हमने गुरु जी गुरुदेव को एंड सबको सब किसने बताया, सुमंत्र ने सब बताया है ना कि गुह के पास रुके थे, ये हुआ था। और उन्होंने बोला कि ये उन्होंने भरत जी को बताया ये राम का मित्र है ना। जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम जी के मित्र हैं, वैसे ही कहते राम का प्यारा, राम का प्यारा सुन के ही उतरे रथ से एंड फिर एकदम भागे उसकी तरफ, एकदम भागे ऐसे जैसे जफरी डालने के लिए दोनों बाहें पसार कर। एंड निषादराज घबरा गया, क्योंकि निषादराज अपने को नीच जाति समझता है ना, इसीलिए घबरा कर उसने फटाफट बोला, अरे मैं निषादराज हूँ, हो अपना गांव जाति और नाम पृथ्वी पर नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेकर जोहार की। और तुरंत ही भगवान ने क्या किया, दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठा लिया, दंडवत करने ही नहीं दिया, एकदम से उठा लिया उसको बीच में, छाती से लगा लेते हैं है ना, छाती से लगा लेते हैं। कहते हैं हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण से भेंट हो गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये निषाद राज की महिमा है। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, ऐसा बोला जाता है जब हम किसी को मिले, सबसे अच्छी पहचान ये होती है किसी को मिलते ही हमें किसकी याद आई। अगर किसी के मुंह पे ऐसा कुछ है तेज, या उसकी भाषा से उसके बोलने से अच्छा कुछ लग रहा है कि ये तो भगवान का बंदा है, पहचान हो जाती है। चाहे कितना भी हो, सात्विक बंदे की पहचान हो जाती है, तो फिर अपने आप ही तुम्हारा मन कहता है कि ये क्या है, कौन है ये, है ना। मन उसको चाहने लगता है बिना, तभी कहते हैं ना कई बार बिना पहचाने ही हम ऐसे क्लिक हो जाते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो उनके जो रूट वैल्यूज वो मिल रही होती है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे ये निषाद राज की महिमा है, क्योंकि प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा, इतना ही उसकी निष्ठा है, इतना प्रेम है उसके मन में। गुह की बात कर रहे हैं हम, कि भरत को ऐसे लगा कि मैं लक्ष्मण से मिल रहा हूँ। इमेजिन कीजिए, कौन देखा ना, हमें पता है लक्ष्मण कौन है, जो भगवान के बिना जी सकता ही नहीं। अगर किसी उसके मतलब निषाद से मिलने को किसी को लग रहा है मैं लक्ष्मण को मिल रही हूँ, तो सचमुच में उसकी महिमा है, सचमुच में भगवान का सच्चा प्यारा भक्त है। तो फिर कहते हैं भरत जी ने उसको हृदय से लगा लिया, एंड हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम में गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपका कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्म नाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि फिर से ये मत सोचना कि तुलसीदास जी किसी जाति का
किसी भी जाति को नीचा दिखा रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीच माना गया है, किसको? निषाद जाति को। अब नीच माना गया का मतलब नीच नहीं होता, नीच माना गया स्वाभाविक रूप से ही। अब देखिए कि हम हैं, हमें आदत नहीं है ना। अगर सचमुच आप वो चले जाओ जहां मछलियां बेचते हैं, जहां मछलियों को पकड़ा जाता है, उनसे बदबू आती है ना। रिमेम्बर महाभारत में जो सत्यवती था उसका पहले नाम क्या था? मत्स्य गंधा। मगर मत्स्य के पेट से पैदा हुई थी ना, और रहती भी मत्स्यों के साथ थी। क्यों, किसके साथ रहती थी? जो मछेरे हैं, यही जो भील के रात हैं। एंड तो फिर उसकी शरीर से भी वैसी स्मेल आती थी। रामकृष्ण परमहंस जी एक जगह पे लिखते हैं, एक बार एक मछेरन को ना कहीं पे रात रहना पड़ा, तो बरसात हो गई, मछलियां बेचने आई थी, बरसात हो गई तो रात रहना पड़ा। जिसके यहाँ रात रहना पड़ा वो माली लोग थे। तो वो जब उसको सुलाया गया कमरे में जहां बहुत से फूल रखे हुए थे, शी कुड नॉट स्लीप, शी कुड नॉट, उसको जैसे फूलों की महक से एलर्जी होने लगी। शी कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही, बरसात इतनी थी, बाढ़ आई पड़ी थी शी कुड नॉट गो। एंड वो रोई कि मैं तो सारी रात सो नहीं पाई, मैं इस कमरे में नहीं सो सकती हूँ, यहाँ फूलों की टोकरियां भरी पड़ी हैं, तो कहाँ सुलाएं? जहां पे मेरी मछलियां की टोकरी होगी वहां पे मुझे सुला दो। तो वो जैसा है उसको वैसी आदत हो जाती है। हम लोग, अब आप देखो, जब हम बाथरूम क्लीन कर रहे होते हैं अपने घरों के, हमें तो बाथरूम क्लीन करने ही पड़ते हैं ना, बाथरूम क्लीन कर रहे होते हैं, उधर से कहे कोई अपना ही आ जाए, जब कोई मित्र मिलने आ जाए, क्या तुम उसको उस समय हग करोगे उसी गंदे कपड़ों में? नहीं करोगे ना। तो वो बात है, ये समझना है। इसको पढ़ के, अगर कोई इस सब को पढ़ के जो जाति पानी बात के लिए सबको कहेंगे देखो नीचों को इस तरह से दिखाते हैं जब भी मौका मिलता है, तभी तो उन्होंने अपने धर्म बदल लिए, तभी ऐसा हो गया क्योंकि हमारे जो सनातन धर्मी ऐसे हैं। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से भी हमें समझना चाहिए ना। हमारे तभी तो कहते हैं जो हमको बदनाम करे, हमारे राम जी ने क्या किया? उसी को तो गले से लगाया, उसी को भरत गले से लगा रहे हैं, उसी शबरी के यहाँ जाके बेर खाते हैं। तो फिर भगवान तो किसी को नीचा नहीं दिखाते ना, भगवान के भक्त किसी को नीचा दिखाते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं, हम तो ये समझ के, अरे मैं तो कभी रोटी बना रही थी सपना के यहाँ थे, परौंठिया बना रही थी तो एप्रन लगाया था, आटे से भरा पड़ा, उसकी एक सहेली आई है तो वो शिवांती टू हग मी, आई सेड आई एम ऑल डर्टी विद दिस आटा ओवर हियर बेटा, कैंट हग यू राइट नाउ। तो अगर हम अच्छे से भी, वो एक आटा है वो तो अच्छी शुद्ध चीज है, तभी भी हम हग नहीं करते कि तेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना बच्चे, ना मैं एप्रन, मुझे एप्रन उतारने दो। तो वो बात है कि ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसलिए कहा जाता है ना। एंड हम सचमुच बीमार हो जाएंगे अगर हम वहां रहेंगे, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, तो कहते हैं उसके बाद बोला कि राम जी का नाम तो जबाई लेके भी करता, मतलब आलस से भी। हम जैसे यहाँ तो कहते हैं, अगर कोई बिलीव करता है कि हर बात के लिए जीसस का नाम नहीं लेना चाहिए, दैट्स अ सिन, अगर वासी लेते लेते तुम नाम ले रहे हो दैट्स अ सिन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ तो कहते हैं भगवान का नाम आलस से कैसे भी लो, भगवान का नाम ले लो, वो तुम्हें पवित्र ही करेगा, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं जो जवाई लेते आलस्य से भी कर रहे हैं राम नाम का उच्चारण, तो कहते हैं पापों के समूह उसके सामने नहीं आते। लेकिन अगर जब अगर हम यर्निंग करते करते दिल से ले रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर से ले रहे हैं, इसलिए तो हम कहते हैं ना, हम तो यर्निंग करते करते भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर भी बथेरे पाप साथ लगते हैं जो जा नहीं रहे हैं, बिकॉज हम उस श्रद्धा से नहीं ले रहे हैं, है ना। वो लोग वो हर समय सांस सांस में भगवान का नाम लेने वाले हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं बट अदर वे भी है, जैसे कि हमने बताया था हनुमान पदार जी का, कि कैसे उनको समाधि लग गई थी एक बार, हनुमान पदार जी की था प्रेस वाले, कि किसी अपने दोस्त के साथ बैठे हैं तो वो ऐसे उनमें बात हो रही है, तो उन्होंने बोला हमारे शास्त्रों में लिखा है मरते समय जो राम बोलेगा उसको
भगवान मिलेंगे ही। तो मैंने कितनी बार ये बात बोली है ना, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, इसलिए रिपीट करती रहती हूँ। तो उनका दोस्त बोल रहा है कि अरे इंग्लिश में तो जंगली बकरी को राम कहते हैं ना, है ना, राम बोलते हैं। वो बोले वो बात जंगली बकरी ही कर रहा है लेकिन राम उसके मुंह से निकल रहा है, तो क्या उसे राम मिलेंगे? तो हनुमान पदा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल मिलेंगे। और उन्हें एकदम से समाधि लग गई थी, पूरा दिन लगी रही, रात लगी रही, बोले वो बस उन्हें प्रभु दिख रहे थे उस समय, मैया सीता दिख रही थी। तो ऐसा बोला जाता है ऐसे संतों के साथ। देखो ये अब की बात है, इट्स नॉट टू फार अवे, कुछ ही सालों की बात है। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो रामायण के युग की बात हो रही है, इस युग में नहीं होता, इस युग में भी सब कुछ होता है। तो फिर कहते हैं कि अब उनको हृदय से लगा रहे हैं, बोले कि उसने तो कुल समेत इस जगत को पावन कर दिया, जिसको हमारे प्रभु राम जी ने हृदय से लगा दिया है ना। उसके बाद ये कर्म नाशा नदी का आता है बार बार। कर्म नाशा नदी जो है वो काशी के साथ लगती है, इट्स ए आई थिंक वो यूपी एंड बिहार का वो बॉर्डर लाइन बनती है उसके साथ, कर्म नाशा नदी। ये कैसी आई, ऐसे पुराणों में कथा है कि इक्ष्वाकु, जब वो दो तीन पंक्तियों में सुनाऊंगी, वैसे तो आगे भी सुनाई है ना कथा, कि इक्ष्वाकु जब सशरीर जाना चाहते हैं स्वर्ग में, गुरु वशिष्ठ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो उनके कुल गुरु थे, तो विश्वामित्र का तो हमेशा कंपटीशन रहता था, बोला मैं तुम्हें भेजूंगा सशरीर, अपनी शक्ति से, अपने तप की शक्ति से भेज दिया सशरीर स्वर्ग में। तो कहते हैं देवताओं को बदबू आने लगी कि अरे किसकी कौन आ गया यहाँ पे, उन्होंने उसको धक्का दे के नीचे गिरा दिया, वो नीचे गिर रहा है ऐसे उल्टा, ऐसा स्टोरी लिखी गई है फुर्रियन, और नीचे गिर रहा है वो। तो कहता है गुरु जी मरा मैं तो वो विश्वामित्र कहते हैं भाई रुक भाई रुक, मैं तेरे लिए दूसरे स्वर्ग तैयार कर दूंगा, हु केयर्स। एंड उधर देवता लोग आके बोलते हैं क्या कर रहे हो आप, एंड ये यहाँ लटका हुआ है बीच में देवता और विश्वामित्र जी, और देवताओं की बातें हो रही है आपस में, ये वैसा क्या वैसा बेचारा लटका हुआ है। कहते हैं जब ऐसा लटका हुआ था ना, तो जो उसके मुंह से लार, उसके मुंह की लार जो जमीन पे गिरी है, उससे ये कर्म नाशा नदी बनी है। ये कर्म नाशा नदी में जब तुम, कर्म नाशा क्यों बोलते हो, जब तुम इसमें पांव धरते हो तो तुम्हारे सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना गंगा मैया में जब पांव रखते हैं तो तुम्हारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, इस नदी में पांव रखने से, इस नदी का पानी कोई नहीं पीता, इस नदी में पांव नहीं रखते, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे, इसलिए बोला कर्म नाशा नदी का जल। तो जब गंगा जी में पड़ता है तो वो गंगा बन जाता है, वो ज्यादा लंबी नहीं है नदी, फिर गंगा जी में मर्ज हो जाती है। तो फिर कहते हैं तब कहिए कि कौन उस पर सिर पर धारण नहीं करता, जिसको कोई छूता भी नहीं है पांव से भी, उसको फिर सिर पे धारण करते हैं, फिर वो गंगा में मिलके गंगा बन गई ना। तो कहते हैं जगत जानता है मरा मरा करते कौन बन गया ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी, है ना। तो राम कहने का मतलब यह है कि मूर्ख और पामर, चंडाल, शबर, खस, जवन, कोल, किरात, सभी राम नाम, कोई भी जाति हो, राम नाम तो नाम, राम नाम जपने का हक सबको है, और उसका पुण्य फल भी सबको बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को डिफरेंट मिलेगा, क्षत्रियों को डिफरेंट मिलेगा, वैश्य को डिफरेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है, जो कोई भी जपे सबको सेम फल मिलेगा, ये बात उनका कहने का है। इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय भी विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात
कहां तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। तो हम देखते हैं कि भरत जी का प्रेम देखकर कि उनके मन में संकोच और आनंद दोनों हुआ। संकोच होता है कि थोड़ा सा गिल्ट जिसमें शामिल हो, प्रेम जिसमें शामिल हो, उसको संकोच कहते हैं। हम बार बार कहते हैं भगवान बड़े संकोची स्वभाव के हैं, संकोची थोड़ा शर्मीला सा भी, उसको भी शर्म संकोची बोलते हैं। तो उसको कहते हैं कि प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो टकटक ही लगाए अब भरत जी को दिख रहा है। तो उसके बाद कहते हैं, फिर धीरज धरकर क्या कहता है कि कहते हैं, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरणों के चरण कमलों के दर्शन पर दर्शन कर मैंने तीनों काल में अपना कुशल जान लिया। तीनों काल में क्या कहता, मतलब जो, तो हम कहेंगे तीन काल से क्या मतलब, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में कुशल जान लिया वो तो समझ आती है, पास्ट में कुशल जान लिया वो कैसे समझ आई। उनका मतलब ये कि आप जैसे भक्त के दर्शन करके जो कुछ भी मैंने कर्म किए होंगे पास्ट में भी, उनका भी कोई वो वाइप आउट हो गए सब, अब कुशल ही कुशल है, समझ गए ना। तो जब हम, क्योंकि इमेजिन करो कि जो भी इतने जन्मों से हमने जो जो कर्म किए होंगे, जिसका फल पुण्य और पाप दोनों होगा, मिश्रित होगा, वो सारे वाइप आउट हो गए भरत जी के दर्शन से, इसीलिए बोला। तो छोटी छोटी बात को समझना है हमने, इसका क्या मतलब तीनों काल में, है ना। अब कहते हैं वो सब वाइप आउट हो गए, तो अभी इस समय भी मेरा कुशल है, नेक्स्ट भी कुशल ही कुशल होगा, नॉट ओनली मेरा, मेरे आने वाली पीढ़ियों का, आपके दर्शनों से हमने, हम देखेंगे। भरद्वाज मुनि भी यही कहते हैं, भरत तुम्हें देखने से तो कहते इतने जो हमारे पुण्य हमने किए थे, जिसका फल ये मिला कि तुम्हारे दर्शन, तुम भगवान के दर्शन हुए, भगवान के दर्शनों का फल है तुम्हारे दर्शन। कहते हम झूठी बड़ाई नहीं करते, हमें कोई चाहिए ही नहीं किसी से कुछ भी, हम तो यहाँ जंगल में बसे हुए हैं, ना किसी से लेना देना नहीं, बट हम सच बता रहे हैं तुम्हें। तो ये ऐसे हैं हमारे भरत जी। तो उसके बाद कहते हैं कि मेरी कटु उदर कुल, कहते हैं मेरे करनी कैसी है, मेरा सब कुछ फिर भी सब जानते हुए भी भगवान ने जो मुझे अपना लिया, ये सब उसी की ही महिमा है कि भरत भी मुझे अपना रहे हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं। तो कहते हैं फिर उनको लगता है कि अरे जहाँ बोला गया है ना कि मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा वश अपना लिया, किसने, भगवान ने जिसको अपना लिया। अहेतु की कृपा, जो बार बार शब्द हमारा गीता में आता है सुहृद, भगवान को बार बार सुहृद बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, वो अहेतु की कृपा करते हैं सबके ऊपर। अहेतु की कृपा का मतलब होता है उनको, हम पर कृपा करने के लिए ये नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, अपना हित नहीं है, जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा मित्र होता है, तुम्हारा हित चाहने वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। तो ये है अहेतु की कृपा, ठीक है। तो बोले कि मेरे मेरे से तो भगवान को थोड़ी कोई मतलब था, भगवान ने मुझे अपना लिया क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो ये है, तो सुहृद है ना हमारे भगवान जी। तो कहते हैं कि देखो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भगवान का भजन नहीं कर रहा ना, उनका कसूर नहीं है, किसका कसूर है, उस विधाता का, जिसने उनको ठग लिया, उनकी किस्मत में भगवान का प्रेम नहीं लिखा, है ना। हाँ, सैड। 195 के नीचे पढ़ेंगे। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां
उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, हे स्वामी का, वे स्वामी का रुख पाकर चलें। और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। हाँ, हम देखते हैं कि अब भरत जी के छोटे भाई से हमने बोला था ना, जब जब शत्रुघ्न का गुस्सा दिखाना होता है तो उसको लक्ष्मण के छोटे भाई बोलते हैं। डिड यू नोटिस दैट? अब उनको किसका भाई बोला जा रहा है? भरत का भाई। हम आगे देखेंगे जब लक्ष्मण जी बहुत गुस्से होते हैं ना कि ये सेना लेके आ रहा है, भरत के मन में पाप है, तो बोले मैं उसके छोटे भाई को भी मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा। अपना छोटा भाई नहीं कहते उसे, उस समय भरत का छोटा भाई को भी मार दूंगा, ऐसे बोलते हैं हम तो लक्ष्मण जी। तो हम देखते हैं कि कितना सुंदर उन्होंने बोला है कि जे जो हमारे लक्ष्मण के समान जानकर वो भरत कहते हैं, वो शत्रुघ्न जी भी उनको मिलते हैं, भरत के छोटे भाई। आई लव दैट जब ये पढ़ा जाता है ना। तो इसके बाद कहते हैं कि अब रानियों को भी निषाद राज मिल रहे हैं ना, महारानियों को अपना नाम बता बता के। अब महारानियां भी उसको, देखो यहाँ भी चीज पढ़ने वाली है ना, कहते हैं फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। याद है आपको, यही गालियां दे रहा था ना माता कैकेयी को, तो लक्ष्मण जी ने शिक्षा दी थी ना। अब इनका और माया माता कैकेयी के प्रति कोई भी क्रोध नहीं है ना, ये जानते हैं जो है भगवान की लीला है ना। इसीलिए देखो आता है कि सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की, एंड सब रानियों ने वही लक्ष्मण जी जानकर उनको आशीर्वाद दिए। देखो माँ ही तो बच्चों को एक ही आशीर्वाद देख सकती है ना, कि तुम सुख रहो, मेरा बच्चा सुखी रहे। कोई हमें जब प्रणाम करता है तो क्या कहते हैं हम? सुखी रहो बच्चे, सुखी रहो है ना, राजी रहो। पंजाबी में हम बोलते हैं राजी रहो, राजी रहो मीन हमेशा सुखी रहो है ना, राजी रहो मेरे बच्चे, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो उसके बाद कहते हैं कि जीवन का लाभ तो उसी में है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर ले लिया, ये लोग सोच रहे हैं। हमने देखा सुंदर काल में जब विभीषण मिलने आए तो उन्होंने बोला रावण का भाई आया है, ऐसा संदेशा भेजा। तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला रावण का भाई है ना, बांध लो इसे, बांध के रख लो, हमारा भेद लेने आया होगा। भगवान कहते हैं कैसे बांध लूं, क्योंकि मैं तो शरणागत को देना, मेरा शरणागत अगर कोई शरणागति के लिए आया है तब तो मैं उसे जरूर शरण दूंगा, क्योंकि ये मेरा वाण है ना, यही मेरा प्रण है। तो फिर उसके बाद देखते हैं हम कि जैसे ही सुग्रीव भगवान को मिलते हैं ना, तो भगवान उसको ऐसे जप्फी डालते हैं। तो भगवान सुग्रीव को कहते हैं तुम मुझे कह रहे थे ना बांध लो, तो ले मैंने बांध लिया। किसमें बांध लिया? अपनी भुजाओं में प्रेम प्रेम की जप्फी से बांध लिया है ना। तो कहते हैं कि अगर अगर ऐसा होता, हम इसको वैसे रस्सी से बांध के रखते तो हो सकता इसके बंदे आके इसको छुड़ा के ले जाते, या ये स्वयं भाग जाता। जब किसी को प्रेम की रस्सी से बांधोगे, अपने भुजाओं में प्रेम की जप्फी से बांधोगे, फिर वो कहीं नहीं भागेगा है ना, फिर हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पे वही है, श्री राम जी ने कहते हैं वो ही भाग्यशाली है जिसको स्वयं रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले से लगा लिया, वो तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान ने अपना लिया उसको। तो उसके बाद कहते हैं कि इसीलिए निषाद के बाकी की बढ़ाई कर रहे हैं सब। तो अब निषाद ने क्या किया, सब अपने से अपने सब पूर्ववासियों को इशारे करके बताया कि चलो सबके रहने का इंतजाम करो है ना। अब वो कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुरी को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए।
वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन लिए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। अच्छा, तो हम देखते हैं, भरत जी ने जब श्रृंगेर पर्वत देखा तो उनके अंग प्रेम के कारण शीतल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान ठहरे थे ना, तो जहां जहां भगवान ठहरे हैं वो तीर्थ स्थान हो गया। तो तीर्थ स्थान को देखते ही वो भगवान की याद आती है। तो भगवान तो उनके हर तीर्थ स्थान, हर वो जगह जहां भगवान के चरण पड़े हैं, भक्त को तो याद करके ही वही वो क्या नशा हो जाएगा, मेडिटेशन में हो जाएंगे। इसीलिए कि वो प्रेम के कारण स्थिर है, कि उनकी वो ऐसा ऐसी स्थिति हो गई है जैसा बंदा कोई नशे में होता है ना। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसी वाली स्थिति हो गई। तो वो कहते हैं निषाद राज को क्या, फिर उन्होंने निषाद राज के कंधे पे हाथ रखा। कैन यू इमेजिन, यू नो, निषाद राज चल रहे हैं एंड भरत जी उनके कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। इमेजिन दैट जोड़ी, राइट? भक्त से भक्त का मिलन है ना। एंड अगर कोई एक भक्त कोई कोई सहारा दे सकता है वो दूसरा भक्त ही है। अभक्त तो भक्त को कभी सहारा नहीं दे सकता ना, एक भक्त ही भक्त को सहारा दे सकता है। तो वो उसके कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। याद आया कोई सीन जब वो केवट भगवान के चरण धो रहा था, तो भगवान चरण एक धोया तो फिर भगवान ने खड़े होना है, तो कहते आप मेरे कंधे पे हाथ रख लीजिए, कोई बात नहीं, फिर आराम से वहां पांव रखिए। केवट ऐसे बोलता है। तो यहाँ पे भी वही है कि देखो यहाँ स्वयं हाथ रख दिया भरत जी ने, एंड ऐसे लग रहा है मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। कौन? भरत जी, प्रेम और विनय का शरीर है उनका। तो उसके बाद देखते हैं हम, अब गंगा जी पे गए। रिमेम्बर, गंगा जी पे माता सीता ने भी माता को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम करके कुछ मांगा था ना। उन्होंने मांगा था अगर हम सब ठीक ठाक ऐसे वापस आ गए तो मैं तेरे किनारे पे पूजा करूंगी। फिर गंगा माँ से मांगा था ना उन्होंने वरदान। एंड यहाँ पे वो जो जिस घाट पे भगवान नहाए हैं वो तीर्थ स्थान हो गया ना, उसको राम घाट कहते हैं, है ना। तो राम घाट में स्नान, जहाँ पे उन्होंने स्नान किया था, तो राम घाट, तो वहां पे वो हो वहीं पे इन्होंने इनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो स्वयं श्री राम जी मिल गए हैं। तो जैसे हमने कहा, हर वो तीर्थ स्थान अगर हमें भगवान से सच्चा प्रेम है तो जहां हम बैठे हैं उस तीर्थ स्थान पे तो हमें सचमुच ऐसे लगेगा कि भगवान ही मिल गए। अगर वो नहीं लगता है तो हम उस तीर्थ स्थान पे के प्रति या भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास ही नहीं है, है ना। तो उसके बाद कहते हैं भगवान, अब भरत जी भी यही मांगते हैं कि गंगे तुम्हारी, कहते हैं आपकी रज सबको सुख देने वाली है। तो कहते हैं आप, कहते हैं आपसे बस यही मांगता हूँ कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम रहे, जैसे जो हम गाते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिनु बड़ो अनुग्रह तोरे। वो अभी आएगा जब जब वो पहुंचेंगे पराग, तो परागराज से ये मांगेंगे, वहां बोलते हैं सीताराम चरण रति मोरे। यहाँ पे भी वही है, हमारे हमारे भरत जी मांग रहे हैं माता गंगा से। यहाँ कहते हैं गंगा जी ने, गंगा जी के ब्रह्म रूपी जल को देखकर, जब अंगद का संवाद होगा ना रावण के साथ, तो अंगद बोलेंगे
मूरख रावण, गंगा क्या सिर्फ जल है? उनका कहने का मतलब गंगा जल नहीं है, गंगा तो भगवान की विभूति है। अगर भगवान की विभूति ना होती, हम सबके घरों में गंगा जल पड़ा होगा। कोई भी ऐसा सनातनी घर नहीं है जिसमें गंगा जल नहीं होता। वो गंगा जल जैसे हमारे घर में भी जो गंगा जल पड़ा 30 साल पुराना है, वैसा का वैसा। अगर वो ब्रह्म जल नहीं हो तो वो तो खराब हो जाएगा ना। कोई भी जल ऐसा नहीं रहता, सारे जल खराब हो जाते हैं। वो गंगा जल तो सचमुच में ब्रह्म जल है ना, तो वो इसीलिए उससे मांगते हैं। और जो सचमुच फिर गंगा को सिर्फ नदी नहीं देवी समझेंगे, तो उनको फिर वो वरदान भी देगी, है ना, उनके हक में है। तो फिर उसके बाद कहते हैं, जब उन्होंने देखा माताओं ने भी सबने स्नान कर लिया, तो फिर वो तैयार हो गई, सब डेरे डारे जा रहे हैं, आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो सॉरी, इतना ही हो पाता है, वे कितना भी कोशिश करो 10 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो लास्ट वाला बोल ले, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं आई वॉज जस्ट रीडिंग इन द प्लेन आते, सिर्फ ये रामचरितमानस था मेरे साथ में। तुम ऐसे अगर आराम से बैठ के पढ़ते हो ना, नथिंग बट यू विल जस्ट क्राई, है ना। इट्स जस्ट सो स्वीट, सो स्वीट। तो बहुत सुंदर। यहाँ पे आज इसको खत्म करते हैं, आखिरी वाला बोलेंगे। बार बार बर मांगू हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सियाराम, जय सियाराम, ग्रीष्मी कैन जय स्टॉप योर सियाराम, रिकॉर्डिंग। कृष्णा जय जी, आज सियाराम। वर्ल्ड संस्कृत डे है, तो कुछ दो श्लोक रामचरितमानस से ही श्लोक कुछ कर ले।